भारत में 10 ऐसे मेडिकल कोर्स है जिसे ज़्यादातर बायो स्टूडेंट करते हैं। उनमें पहला है MBBS, जिसका फॉर्म MBBS, MS, MD, BAMS, BUMS, BPT और B.BSc, BUMS, BSMS, BNYS। अगर आप इसका फुल फॉर्म और इसमें किस तरह के कोर्सेज जो है, कितने साल का है और क्या क्या इसमें स्टडी किया जाता है, वो MBBS जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसके लिए स्टूडेंट इस कोर्स को कौन स्टूडेंट कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन NTA द्वारा जो नीट एग्ज़ाम है उसके थ्रू होता है। इसमें जो कोर्स का ड्यूरेशन है 5.5 ईयर्स है, यानी 5 साल और 5 महीने इस कोर्स के लिए लगते हैं। इस कोर्स से करने से आपको मेडिसिन और सर्जरी में दोनों ही में प्रोफेशनल डिग्री मिलती है। मास्टर ऑफ सर्जरी एक 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। इसके लिए जो एग्ज़ाम है वो नीट PG नाम से लिया जाता है। इसके लिए मैंडेटरी होता है कि जो स्टूडेंट है वो MS डिग्री की स्टडी करने के लिए, यानी MS डिग्री जो कोर्स है उसको स्टडी करने के लिए, उस स्टूडेंट को पहले MBBS जो है उसको कंप्लीट करना होता है। ये मैंडेटरी होता है MS करने के लिए। MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जिसे कहते हैं, तो ये भी 3 साल का डिग्री है। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल होता है। ये भी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जो कि आफ्टर MBBS डिग्री जो परस्यू कर लेते हैं स्टूडेंट, वो इसमें फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। इसके लिए जो एग्ज़ाम है नीट PG एग्ज़ाम है, इस MD वो स्टूडेंट करते हैं जो मेडिसिन के फील्ड में और एक्सेल करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट MD कोर्स को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी जिसका फुल फॉर्म है, इस डिग्री को कंप्लीट करने में 5.5 ईयर्स लग जाते हैं, जहाँ पर 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप भी करवाया जाता है। इस कोर्स, इस BAMS कोर्स जो है उसको करने से आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिलता है अबाउट अष्टांगा आयुर्वेदा अलॉन्ग विद साइंटिफिक एडवांटेज इन मॉडर्न मेडिसिन अलॉन्ग विद एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और जो इसके लिए जो एग्ज़ाम है उसका भी सिलेक्शन, इस कोर्स को करने के लिए जो स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही होता है। नंबर पर है BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 5.5 ईयर होता है, इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप, जहाँ पर 1 साल के लिए इंटर्नशिप करवाया जाता है। इस कोर्स को करने से आपको होम्योपैथी मेडिसिन का जो नॉलेज है मिलता है अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट, और उसके ट्रीटमेंट का भी जानकारी स्टूडेंट को मिलता है। इसके लिए भी जो सिलेक्शन है स्टूडेंट का वो नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही होता है। PPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है अलॉन्ग विद 6 मंथ कंपल्सरी इंटर्नशिप, जहाँ पर 6 महीने के लिए अनिवार्य है इंटर्नशिप करवाया जाता है। इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं, यानी जो कोर्स कर लेते हैं स्टूडेंट, उनको ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसको डील करना होता है, यानी इसमें विशेषज्ञ वो प्राप्त करते हैं। इसके लिए रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट इंटरेस्ट एग्ज़ाम करवाया जाता है। BSc यानी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, जो कि 5 साल का ड्यूरेशन होता है इस कोर्स के लिए। साथ ही आपको बता दें कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, यानी इस कोर्स को जो स्टूडेंट कर लेते हैं उनको वेट और एनिमल डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। इसके लिए भी जो सिलेक्शन है वो नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही होता है। BUMS यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी जिसका फुल फॉर्म है, इसका जो ड्यूरेशन है 5.5 ईयर्स होता है, एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। इसके लिए भी जो सिलेक्शन है वो नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही होता है। MS बैचलर ऑफ सिडा मेडिसिन एंड सर्जरी, जो इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो भी 5.5 ईयर्स होता है, जहाँ पर वो 1 साल के लिए इंटर्नशिप करवाया जाता है। ये भी एक तरह का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसके लिए भी जो सिलेक्शन है वो नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही होता है। YS यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा, इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 4.5 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जहाँ पर 1 साल के लिए रेसिडेंस या इंटर्नशिप करवाया जाता है। इसमें स्टडी कराया जाता है नेचुरोपैथिक मेडिसिन एंड मॉडर्न साइंस का। इसके लिए भी जो एग्ज़ाम है और रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट इंटरेस्ट एग्ज़ाम
करवाया जाता है के थ्रू।